गुड मॉर्निंग दोस्तों, कोलकाता से मैं सुजय। ये डीएपी है, डाइअमोनियम फॉस्फेट, रिच सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये फूल लाने में और हेल्थ का जो प्लांट का जो हेल्थ है उसको काफ़ी जल्दी इसको डेवलप करने में सहायता करता है। कुछ बुगेनविलिया में आज इसको देंगे, इससे फ्लावरिंग और बहुत अच्छा होता है फ्लावरिंग। तो कैसे देना है यही आज का विषय है। तो देखिए, ये जो सारा बुगेनविलिया है इसको पानी तो बहुत ही कम देना है इसमें फ्लावरिंग के लिए। अब आज एकदम अच्छी तरह से इसको वाटरिंग किया है, एकदम अच्छी तरह से इसको वाटरिंग कर दिया है, देख सकते हैं। अभी इसमें डीएपी डालेंगे, वाटरिंग के बाद डीएपी डालना है। वाटरिंग से पहले अगर हम डीएपी डालेंगे तो पानी के बहाव से वो एकदम इधर उधर हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो वो अगर स्टेम के और रूट के ज़्यादा नज़दीक चला जाए तो उससे प्लांट को हानि पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें गीली मिट्टी में ही इसको उपयोग करना है और एक साइड में देना है, यही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमें कैसे और कितना डालना है, ये एक 8 इंच का गमला है, इसके साइड से देना है, बस इतना ही काफ़ी है। गीली मिट्टी में देना है, ये 10 इंच का एक गमला है, तो ये थोड़ा सा इतना ही, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है इसका, तो कम ही दे तो बेहतर। 6 इंच का गमला है, 6 से 7 दाना, बस ज़्यादा ही हो गया थोड़ा सा ये, ठीक है। अब इसको यहाँ डाल के उसके बाद अगर वाटरिंग करते हैं तो ये बिखर के इधर उधर हो सकता है और स्टेम के ऊपर जाके गिरेगा, तो वहाँ से इसका बर्निंग शुरू हो सकता है। तो ध्यान में दे, देखते रहे दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट में बोलिएगा और इजी एरिनियम विद सुजय को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में मैं बहुत सारा जानकारी गार्डनिंग और एरिनियम के ऊपर मैं शेयर करता रहता हूँ। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। धन्यवाद।